Assalamualaikum, my name is Seher. Welcome to Ideal Academy Tutorial, Class 9, Chapter Number 2, Topic है आज हमारे Numericals. Chapter हमारा complete हो गया, आज हम इसके Numericals देख लेते हैं. तो first वाला Numerical है हमारे पास, जिसमें एक train है जो uniform velocity के साथ move कर रही है और उसकी velocity ये है. उसके बाद उसने कह दिया कि find a distance traveled by it, कि उसने कितना distance जो है वो ट्रैवल किया है, यानी कि एस उसने कितना किया है ट्रैवल, और यानी कि एस हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, और टाइम जो है वो हमारे पास 10 सेकंड दिया हुआ है. अब हमें पता है कि जो स्पीड होती है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड. लेकिन यहाँ पे बात किलोमीटर पर आवर में की गई है, तो अब हम इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं. तो 1000 के साथ मैं 36 को मल्टीप्लाई करवा दूँ और 3600 के साथ डिवाइड करवा दूँ तो वो मेरे पास मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा. अब हमें पता है s इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे. s फाइंड करना है, v हमें पता है t, v 10 है और t हमें पता है 10 है, तो ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 100 मीटर है, यानी कि जो ट्रेन ने इतने डिस्टेंस जो है ना वो ट्रेवल किया है. उसके बाद हमारा जो सेकेंड वाला न्यूमेरिकल है उसमें ये है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है जो रेस्ट में है. इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फिर उसने क्या किया, चलना शुरू, मूव करना शुरू किया, तो उसकी जो उसका जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, टाइम उसने 100 सेकंड लिया. अब हमने फाइनल जो उसकी जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो हमने फाइंड करनी है, और उसका जो स्पीड हमने फाइंड करनी है. उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है, वो भी हमने फाइंड करना है और वी एफ फाइंड करनी है. तो जब ट्रेन रेस्ट की हालत में थी, जाहिर है उसकी कोई ना कोई स्पीड नहीं है क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है, तो वी आई इज इक्वल टू जीरो. मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर. वैल्यू पुट करूँगी 1000, वी आई की वैल्यू पुट करूँगी टी की, ए हमने फाइंड करना वैसे का वैसे आ जाएगा, टी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ए मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको फाइंड करके 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मैं क्या करूँगी, मैंने वी एफ भी फाइंड करना है, तो क्या करूँगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. वी एफ वैसे का वैसा, वी आई कितना है हमारे पास 0, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा 0.2, और टी हमारे पास कितना आ जाएगा 100. तो मेरे पास इसको सॉल्व करके जो फाइनल उसकी जो आएगी स्पीड वो हमारे पास कितनी होगी, 16 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद मेरे पास थर्ड वाला न्यूमेरिकल है. थर्ड वाले न्यूमेरिकल में क्या है कि अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ मिनट, यानी कि इतनी उसकी वेलोसिटी है और टाइम मेरे पास हाफ मिनट है, ठीक है. हाफ मिनट पे हमारे पास कितने सेकंड्स होंगे, 60 सेकंड्स होंगे. अब मैं 60 को उस 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास टाइम आ जाएगा. ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना और फाइनल जो सी उसकी वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है. तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT के स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, 10 ये 30 लगा, इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, वी आई की भी और ए की भी वैल्यू पुट कर देती हूँ, सारी इसमें वैल्यू पुट करके तो डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेती हूँ. आ गया वी एफ इज इक्वल टू वी आई आई टी, तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करूँगी तो वी एफ को फाइंड कर लूँगी, तो वो कितना आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद फोर्थ वाला जो है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर, यानी कि एक टेनिस है वो बॉल को हिट करता है, यानी कि ऊपर की तरफ, ज़ाहिर हाइट पे है, तो वहाँ पे जब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, यानी कि जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. जो उसकी वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है और वी एफ हमें पता नहीं है उसकी, वो 0 आ जाएगी. टाइम हमारे पास 3 सेकेंड दिया. अब हमने वो बॉल कितनी हाइट पे गया एक वो फाइंड करना है, और दोबारा ज़मीन पर जब गिरा है तो उसका टाइम कितना होगा वो फाइंड करना है. अब हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर -VI स्क्वायर. तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरे पास कितना है, वी एफ हमारे पास कितनी है, 0 है. तो ये मैंने किया तो मेरे पास जो हाइट है वो कितनी आ गई, 45 मिनट. अब जब बॉल को हमने हिट करवाया तो उसको 3 सेकेंड लगा हाइट पे जाने के लिए, यानी कि 45 की हाइट पे जाने के लिए उसको कितना मिनट, कितने मिनट लगे, 3 सेकेंड उसको लगे, ठीक है. तो जाहिर है अगर 3 सेकेंड से वो ऊपर गया तो 3 सेकेंड से ही वो नीचे आएगा. अगर मैं उसका टोटल टाइम निकालूँ तो वो मेरे पास 6 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 में +3 कर दूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल टाइम 6 सेकेंड. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए. और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.